खबर वैशाली के राजापकड़ प्रखंड से है, जहां बूथ संख्या 147 पर दो मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके चलते जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को तोड़ डाला, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली एसपी मनीष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने उपद्रवी तत्वों को खदेड़ दिया और हंगामे को शांत कराया। ईवीएम मशीन तोड़े जाने के बाद नए ईवीएम मशीन का इंतजाम किया गया, तब जाकर मतदान फिर से शुरू हुआ। फिलहाल मौके पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और उपद्रवी तत्वों को कड़ी चेतावनी दी गई है। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मतदान फिर से शुरू हो गई है। मारवाड़ के पुलिस लोग मिल जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ सर? यहाँ ईवीएम चार चार बार बदला गया, चार बार ईवीएम बदला गया आज, और पाँच नंबर ठीक था, पाँच नंबर के मतदाता को भी पुलिस द्वारा मारा गया सर। क्यों पता नहीं, आपके सही से मारा, आपको क्यों नहीं मारा जा रहा है? मारा पूछे, अरे आपको चल कर जा रहा है तो हटाएगा, चल कर, कोई नहीं मारा है। सुनिए देखिए, बाबू को रिप्लेस करने के चक्कर में, रिप्लेस करने के क्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें क्या कहना चाहिए आपको, प्रॉब्लम करने की कोशिश की गई है। दोबारा यह मतदान स्टार्ट कराया जा रहा है, स्थिति काबू में है। जिन लोगों के द्वारा भी असामाजिक तत्व करने की कोशिश की गई उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई। सर कितने नंबर बूथ है? सर 147 नंबर बूथ है।